हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं डिनर में बनाने जा रही हूँ लौकी की सब्जी बिना प्याज लहसुन के। तो आज मैं आप लोगों के साथ लौकी की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बिना प्याज लहसुन के, कैसे बनाते हैं सिंपल तरीके से। तो चलिए फिर बनाते हैं लौकी चने दाल की सब्जी। तो लौकी और चने दाल की सब्जी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लौकी को धो के काट लिया, ऐसे स्टिक में काटी हूँ। और एक आलू ली हूँ, दो टमाटर, हरी मिर्च एक, कड़ी पत्ता और ये चने की दाल जिसको मैंने 10 मिनट पहले भिगा दिया था। ठीक है, 10 मिनट या 20 मिनट पहले आप भिगा के रख लो पानी में। अभी चलो बनाते हैं सिंपल सी लौकी और चने दाल की सब्जी। अभी इसमें डालेंगे जीरा, कटी हरी मिर्च, करी पत्ता, थोड़ा सा हींग, पक जाए तो इसमें डाल देंगे फिर कटे हुए टमाटर। अभी इसमें डाल देंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक, अभी नमक और हल्दी डाल के हमें इसको टमाटर को अच्छे से गलाना है। तो इसको हम ढक पकाएंगे, इसको ढक देते हैं टमाटर गलने तक। तो ये देखो टमाटर हमारा ऑलमोस्ट गल गया है। अभी इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। इसमें एक चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, तीन चम्मच धनिया पाउडर। मेरा चम्मच देखो इतना छोटा है, तो मैं इस चम्मच से मैं तीन चम्मच धनिया पाउडर यूज करती हूँ और एक चम्मच मिर्च पाउडर यूज करती हूँ। मेरा मिर्च पाउडर ज़्यादा तीखा नहीं है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग मिर्ची डालना। और इसमें देखो हरी मिर्ची भी डाला था ना, तो उसका भी तीखापन रहेगा, तो उस हिसाब से करना। ठीक है, और अभी इसमें एक चम्मच जीरा पाउडर। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मसाला भून लेंगे। ठीक है, अभी इसको एक डेढ़ मिनट तक उसको ढक के पकाएंगे मसाले को। अभी इसमें डाल देंगे हम अपनी थोड़ी सी कसूरी मेथी। ठीक है, अभी कसूरी मेथी डाल के भी थोड़ा हमें मसाले को भूनना है। और एक सीक्रेट चीज इसमें डालना है, बताती हूँ। इसमें आधा चम्मच के बराबर बेसन, बस बेसन डाल के हमें इसको अच्छे से भूनना है ताकि बेसन का कच्चापन चला जाए। ठीक है, तो इसको दो तीन मिनट तक इस मसाले को हम भूनेंगे। कोई बोल नहीं पाएगा कि ये बिना प्याज लहसुन की सब्जी है, हाँ यम्मी लगता है खाने में। ठीक है, तो बेसन डाल के हमें इसको और दो से तीन मिनट पकाना है। और अगर मसाला जलने लगे ना तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हो, पानी डाल के दो तीन चम्मच के बराबर पानी डाल के पका सकते हो। और थोड़ा सा हम इसमें बटर यूज करेंगे, बटर डाल देंगे। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हो, मैंने बटर डाला है, हाँ अच्छा लग रहा दिखने में। इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला ना जले, और इसका पानी डाल के इसको दो मिनट तक पकाना है लो फ्लेम पे। तो ये हमारा मसाला पक गया है। ठीक है, अभी इसमें डाल देंगे अपनी सब्जी। अभी इसमें मैंने ये लौकी, आलू और चना दाल डाल दिया है मसाले में। अभी इन सबको अच्छे से भूनेंगे मसालों के साथ, दो तीन मिनट तक मसाले के साथ इन सब्जियों को भूनना है ताकि मसाला अच्छे से कोटिंग हो जाए सब्जियों में। तो हमारा मसाला
सॉरी। तो हमारा मसाला सब्जियों के साथ अच्छे से भून गया है। अभी इस टाइम पे थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला। ठीक है, अभी इन सबको मिक्स कर देंगे। अभी इसमें डाल देंगे हम पानी। आप अपने हिसाब से पानी डालना, ठीक है। मैंने इतना पानी लिया है, आप लोग अपने हिसाब से पानी लेना, क्योंकि थोड़ा पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि एकदम भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि अपना दाल है ना, चना दाल है, तो चना दाल को सीजने में थोड़ा वो लगता है। ठीक है, तो आप लोग पानी अपने अकॉर्डिंग डाल लेना। मैंने इतना पानी यूज़ किया है और पानी डाल के हमें 2 से 3 सीटी लगाने तक इसको पकाना है। तो ये हमारी सब्जी बन गई। 3 सीटी लगाया मैंने, 3 सीटी में हो गया ये सब्जी। अभी इसको धनिया पत्ता से डेकोरेट कर लेंगे, ठीक है।